तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह का वक्त है और आगे आपके सामने एक नया वीडियो लेके। आज का वीडियो बहुत सारे भाइयों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और भाइयों का कमेंट था कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कैसे कार चलाएं, चल के आपको कुछ टिप्स बताते हैं जो हमारे नए जो ड्राइवर है वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा ट्रैफिक में उन्हें पैनिक ना करना पड़े और आप स्मूथली निकल जाओ। दिक्कत ये भी होता है कि बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं हैवी ट्रैफिक में, जब उनके सामने कार आता है, सामने वाले कार के कितने क्लोज वो कार को अपना रोकें और अंदाज़ा कैसे लगाएं कि कितने दूरी पे उन्हें कार को रोकना है, ये सब कुछ चीज़ जो है वो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और कैसे आप अंदाज़ा लगाएं कि सामने वाले कार से आपको कितना डिस्टेंस रखना है, या फिर आप कितने क्लोज उस पर जाके रुक सकते हो। अगर आप ट्रैफिक में ज़्यादा देर तक चल रहे हो, मतलब बहुत लंबा ट्रैफिक है और मतलब कार धीरे धीरे मूव कर रहा है, कभी कभी होता है जैसे कि वैसे ट्रैफिक में आप भी फंसे हो गए, हम भी फंसे हैं, कि मतलब मूवमेंट ही नहीं भाई, धीरे धीरे घसक रहा है गाड़ी। नए ड्राइवर का हालत मतलब ऐसे ख़राब हो जाता है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा क्लच एंड ब्रेक पैडल पे मूवमेंट रखना पड़ता है, जिस चलते बहुत दिक्कत होता है। और अभी आप देख सकते हो कि इसका पिछला टायर दिख रहा है और वो जो गार्ड बम्पर है वो भी हमको विजिबल है, होप आपको भी दिख रहा होगा, ड्राइवर सीट से आराम से दिखता है। अगर आप इसी के क्लोज आते जाओगे, देखिए विजिबिलिटी ख़त्म हो गया, मतलब वो अपने कार के बम्पर से मतलब वो कवर हो जा रहा है, मतलब वो दिख नहीं रहा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका कार कितना क्लोज है। अगर वो विजिबल हो रहा तो आप समझ जाओ कि आपके और उस सामने वाले कार के बीच में गैप है, और अगर विजिबल नहीं है मतलब आप पूरे क्लोज आ चुके हो, जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी ये बम्पर इसका विजिबल नहीं है, मतलब ये हम इससे ज़्यादा दूर नहीं है डिस्टेंस में, और अभी आप देखिए ये आगे गया तो मतलब विजिबल है, देख सकते हो आपके हम इसके एकदम क्लोज कर दिए हैं, बहुत क्लोज है अभी हम इसके, क्योंकि इसके टेल लाइट पे मेरा हुड का लेवल आ रहा है, आप देख सकते हो उसके टेल लाइट पे मेरे हुड का लेवल आ रहा था, मतलब वो बहुत क्लोज आ चुका था। अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कैसे बम्पर टू बम्पर गाड़ी चला सकते हो। झूठ का भाई 20 मिनट का लंबा लेंदी वीडियो बनाने का मतलब बनता नहीं है, टू द पॉइंट बात करना बेटर है। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो है जो 20 मिनट का वीडियो है और उसमें भाई मतलब क्या ही बोला जाए। तो सिंपल सा यही फॉर्मूला आपको अपनाना है, आप कहीं भी ट्रैफिक में रहो, अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो इसके साथ एक चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ता है, वो है कि क्लच एंड ब्रेक एक्सलेटर जो भी है इसका कॉम्बिनेशन कैसे लेना चाहिए। और पीछे एम्बुलेंस आ रहा है तो इसे साइड देना बनता है भाई, चलिए साइड दे दिए और अब चलते हैं। और एम्बुलेंस को हमेशा साइड दे दिया करें गाइस, जब भी आपके बगल से या पीछे से एक एम्बुलेंस जाता है तो पास ज़रूर दें। और ये दो जो पॉइंट है ना आपको बहुत हेल्प करने वाला है, बम्पर टू बम्पर अगर आप चलाते हो ट्रैफिक में तो आपके लिए दो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक आपको ज़्यादा क्लोज उसके रोकना नहीं है, मतलब एक इतना डिस्टेंस आप बना के रोको कार कि अगर वो कार गलती से हल्का बैक भी जाता है तो वो आपके मतलब बॉडी पर टच ना हो। इसलिए बम्पर टू बम्पर में जब भी चलाएं तो थोड़ा गैप बीच में ज़रूर रखें, एकदम कार को चिपका के बिल्कुल भी ना लगाएं, वो आपका ही नुकसान देगा, वो सामने वाले को कुछ नहीं होगा, उसका पीछे में टच होगा बस और कुछ नहीं होगा। इसलिए जब भी आप बम्पर टू बम्पर चला रहे हो तो थोड़ा सा गैप और डिस्टेंस बना के रखें, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिपकाने का ज़रूरत नहीं है। और स्टिल ट्रैफिक अगर मिलता है आपको, मतलब कि कार रुका हुआ है, एकदम ऐसा ट्रैफिक है कि कार रुक गया है, तो आप सिंपली गियर को न्यूट्रल में डाल के क्लच से पैर हटा लो, बेस्ट है, क्लच पे पैर रखने का ज़रूरत नहीं है, क्लच पे पैर रखने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आप नए ड्राइवर हो तो एक टिप आपको देना चाहेंगे, आप जब भी कार चलाते हो तो ट्राई करो विंडोज़ डाउन करके चलाने का, विंडोज़ डाउन करके चलाना बहुत मतलब नए ड्राइवर के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। लोग कहते हैं भाई विंडो डाउन करके क्या होगा, मतलब भाई बहुत जो नॉइज़ होता है ना बाहर का जो नॉइज़ है वो आप कैप्चर
बहुत सारे बगल के व्हीकल होते हैं जिनके साउंड आपको नहीं सुनाई देंगे, तो वो बहुत दिक्कत करेगा, इसलिए आप अपने विंडोज को डाउन करके चलाएं और ऐसे ट्रैफिक में बिल्कुल भी फ्री होके चले। बस यही है, अपने लेन पे चलें और ज़्यादा चिपके नहीं, मतलब किसी भी कार के ज़्यादा पीछे टच करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओ भाई क्या घोड़ा, शानदार घोड़ा है भाई, ज़बरदस्त। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चले, प्यार से चले, ज़्यादा क्लच ब्रेक का यूज़ ना ले। आपको ज़्यादा लग रहा है कि हाँ भाई क्लच ब्रेक ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो सिंपली आप क्या करोगे, ट्रैफिक में आपको रुक रुक के चलना पड़ रहा है। अगर आपको ट्रैफिक में रुक रुक के चलना पड़ रहा है, या जैसे कि अगर आप यहाँ से वहाँ चल रहे हो, आपको ब्रेक ले लिए, आप ब्रेक लेके रुक गए, गियर को न्यूट्रल में डाल के क्लच से पैर हटा लें, ब्रेक पे पैर रख लें, ब्रेक पे रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड ब्रेक यूज़ नहीं करें ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको तुरंत तुरंत बढ़ना पड़ा तो उसमें दिक्कत कर सकता है। और ये वीडियो हम ज़्यादा कट नहीं करने वाले हैं, सिंपली थोड़ा सा रॉ वीडियो रखेंगे। अपना बम्पर जज करना सामने वाले कार से कितना क्लोज है कि दूर है, बहुत इजी है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस अंदाज़ा लगाना होगा, वो भी आप एक से दो बार में आराम से समझ जाओगे कि कैसे अंदाज़ा लगाना है। अब ये सामने ऑटो, फिर से आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। अब ये सामने ऑटो है, अब हमको इसका नंबर प्लेट तक दिख रहा है, टेल लाइट तक दिख रहा है। अगर हम इसके क्लोज जा रहे हैं तो देखिए नंबर प्लेट हट गया, मतलब ये समझ जाइए कि वो काफ़ी नज़दीक है मेरे, इसीलिए ये नहीं दिख रहा है। आपके कितना क्लोज है ऐसा आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ज़्यादा चिपका के लगाने का ज़रूरत नहीं है। अब हिल में तो भूल के भी ना आप ज़्यादा क्लोज लगाएं, और नॉर्मल सिटी में भी जब आप चलते हो तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके चले। बहुत सारे कार को आप देखते हो कि जैसे वो रुका रहता है और फिर जैसे वो गियर में डाल के आगे बढ़ाता है, उसका कार थोड़ा पीछे जाता है, थोड़ा पीछे जाके वो आगे जाता है। तो अगर वो पीछे जाता है तो वो टच अगर आपके कार में हो गया तो नुकसान आपका है। तो ऐसा कोई भी गलती अपने साइड से ना करें जिससे आपको फिर अफसोस हो। थोड़ा सा गैप मेंटेन करके चलो, और क्लच ब्रेक का अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि भाई बहुत ट्रैफिक में रुकना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, तो आप गियर को न्यूट्रल में डालो और ब्रेक पे पैर रख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप इतना चीज़ कर लो बहुत है। और अगर आपको प्रॉपर हैवी ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर लाइव वीडियो देखना है, मतलब मेरे तरफ से अगर आपको प्रॉपर वीडियो देखना है बम्पर टू बम्पर हैवी ट्रैफिक में, तो आप कमेंट करके बता दो, हम अच्छे से फुट मूवमेंट के साथ लेके आ जाएंगे वीडियो, ताकि आप लोग और अच्छे से समझ सको और कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर। अरे भाई तो उड़ा के लेके चला गया, उंगला ब्रेकर से वो टेक ऑफ कर लेगा। चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि वीडियोज आए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। इसी के साथ जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।